So we were discussing some items, whether they are capital expenditure or revenue expenditure, capital receipt or revenue received. So first point we have already covered. First point is legal expenses. So it is a capital expenditure. Second point was the labor welfare expense. And the labor welfare expense is a revenue expense. But you have to also keep in mind, for the welfare of the laborers, if any equipment is purchased, any capital type of expenditure is made, then that would be the capital expenditure. If nothing is said, then you can consider it as a revenue expenditure. Okay, बाद में आपको दिया हुआ है सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट. देखो गवर्नमेंट से एवरी ईयर सब्सिडी मिलता रहता है. जैसे स्कूल्स होते हैं तो स्कूल्स में जो स्कूल होता है तो स्कूल में सब्सिडी जो है रेगुलर बेस पे मिलता रहता है. ओके सो सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट. तो स्कूल्स जो होते हैं तो स्कूल्स में या तो कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट की सब्सिडी एवरी ईयर मिलती रहती है. तो वो उनका रेवेन्यू रिसीव्ड होगा बिकॉज इट इज रिसीव्ड ऑन द रूटीन बेसिस. इसी तरह से फोर्थ नंबर का पॉइंट दिया है कंपेंसेशन पेड टू एन इंजर्ड पर्सन इन एन एक्सीडेंट विद द मोटर कार ऑफ द कंपनी. अब यहाँ पे क्या हो गया है कि हमारे कंपनी के मोटर कार से एक्सीडेंट हो गया और जिस पर्सन के साथ इंजरी हुई उसको हमको ये पैसा देना पड़ा. अब आप सोचो इसको, इस तरह के छोटे मोटे एक्सपेंडिचर तो होते रहते होंगे. फैक्ट्रीज है तो फैक्ट्री में ऐसे एक्सपेंडिचर होते ही रहते हैं. तो फैक्ट्री के अंदर इस तरह का पेमेंट रूटीन बेस पे होता रहता होगा. सो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब आप यहां पे ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते कि ये एक ही बार दिया है, क्योंकि जो बड़ी फैक्ट्रीज होती है, जैसे बड़ी बड़ी केमिकल कंपनीज ले लो, तो वहां पे इस तरह के छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं. तो उनको अपने वर्कर्स को या तो बाहर का कोई पर्सन है तो उसको इस तरह का पेमेंट करना पड़ता है. एंड दैट्स व्हाई इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आ रहा है समझ में? एम आई ऑडिबल? ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट है वेजेस स्पेंट ऑन इरेक्शन ऑफ मशीनरी. इरेक्शन का मतलब होगा रिपेयरिंग. मशीनरी के पीछे हमने एक्सपेंस किया हुआ है. तो अब यहां पे दो बात मैं बताऊंगा. अगर आपकी मशीनरी पे आप रेगुलरली सर्विस का एक्सपेंस करवाते हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा. पर अगर आपने कोई मशीन खरीदा है, पुराना मशीन खरीदा, और उस मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए या तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपने कोई एक्सपेंस किया तो वो हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब यहाँ पे हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो वेजेस स्पेंड किए हैं वो मशीन के साथ, नए मशीन के साथ किए हैं. हमने कोई ओल्ड मशीन खरीदा होगा और उसके साथ हमने एक्सपेंस किया है तो दिस विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये रेवेन्यू भी हो सकता है. अगर रेगुलरली आप करवाते हो तो रेवेन्यू होगा. पर कुछ ओल्ड मशीन, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, ओल्ड लिख देता हूँ, तब तो सही रहेगा.
ओल्ड मशीनरी के रिपेयरिंग में हमने एक्सपेंस किया, हमने परचेस किया फिर उसका रिपेयरिंग करवाया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। फिर आपको सिक्स नंबर का पॉइंट बताया हुआ है, अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर्स टू अ सेकंड हैंड इंजिन इन ऑर्डर टू पुट इनटू द वर्किंग ऑर्डर। कुछ सेकंड हैंड इंजिन हमने खरीदा फिर उसके पीछे रिपेयरिंग करवाया, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि सेकंड हैंड इंजिन खरीदा है और रिपेयरिंग उसको तुरंत ही हमने करवाया होगा ताकि वो वर्किंग कंडीशन में आ जाए, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे भी मैं एक बात बोलूंगा कि आपके कंपनी के जो भी इंजिन है उसको आप रेगुलरली कुछ सर्विस करवाते रहते हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अच्छा, सेवन नंबर का पॉइंट आपको बताया हुआ है, लीगल चार्जेस इनकर्ड ऑन इनकम टैक्स अपील। लीगल चार्जेस इनकर्ड ऑन इनकम टैक्स अपील, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हो गई या तो हमारा कुछ रिटर्न गलत फाइल हो गया या तो कुछ भी हो, तो उसके लिए हमको लॉयर को फीस पे करना पड़ा, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि ये रूटीन तरह का इस तरह का एक्सपेंस होता है, लीगल एक्सपेंसेस आर ऑफ रूटीन नेचर। फिर आपको दिया हुआ है कैरेज पेड ऑन गुड्स परचेस। आपने गुड्स खरीदा तो उसको आपकी फैक्ट्री तक लाने के लिए, आपकी बिजनेस प्रिमाइसिस तक लाने के लिए आपने ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस पे किए हैं, दैट इज नोन एज कैरेज, इसको कैरेज इनवर्ट बोलेंगे, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया और इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर बताएंगे, बिकॉज इट इज एक्सपेंस ऑन परचेस ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे आपको इस तरह के बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए हुए, इसी तरह का एक्सपेंसेस और इनकम हमें आगे देखना है। इन सारे पॉइंट्स के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसको रेवेन्यू क्यों कहा जाएगा, कैपिटल क्यों कहा जाएगा। मैंने कुछ पॉइंट इसलिए डिस्कस कर लिए आपसे क्योंकि वो रेवेन्यू भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं, हमें उसको समझ के सही जगह पे रखना है। अब आज नया पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि फाइनल अकाउंट में एक तो ट्रेडिंग अकाउंट आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, इन दोनों को इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है, और एक बैलेंस शीट आएगा जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट कहेंगे। तो वन बाय वन हम अब समझने का ट्राई करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनता है और बैलेंस शीट। पर ये तीनों के लिए आपको आपके माइंड में याद रखना है कि कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स इसमें आएंगे, जिसकी समरी भी मैंने अभी फर्स्ट लेक्चर में बता दी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो असेट साइड जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगी। अगर वो याद नहीं भी रहता है तो इसके जो फॉर्मेट्स दिए हैं वो फॉर्मेट आप याद रखोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले अब बात करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ट्रेडिंग अकाउंट, यहां बहुत सारी थियरी दी है, सिंपली बता देता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स परचेस करते हो फिर सेल करते हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे परचेस ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स, दो चीजें तो आएगी क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेड का मतलब ही होता है बाइंग एंड सेलिंग, तो एक तो परचेस हम रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा हम इसमें सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। और क्या आएगा, तो परचेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हो गए, गुड्स परचेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हो गए, या तो आप प्रोड्यूस करते हो और सेल करते हो, तो प्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हो गए, वो सारे एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे फर्स्ट आइटम आती है ओपनिंग स्टॉक, और क्रेडिट साइड पे लास्ट आइटम आती है क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा डेबिट साइड पे परचेस लिखा जाता है, क्रेडिट साइड पर सेल्स लिखा जाता है,
और बाइंग के जो भी एक्सपेंस है, परचेस के जो भी एक्सपेंस है, या तो प्रोडक्शन के जो भी एक्सपेंसेस है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखे जाते हैं। एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओनली कौन से वाले एक्सपेंस लिखेंगे? प्रोडक्शन और परचेस वाले। फाइनेंशियल एक्सपेंस इसमें नहीं आएंगे, जैसे बैंक को इंटरेस्ट दे दिया, बैंक चार्जेस यहाँ नहीं आएगा। सेलिंग के एक्सपेंस यहाँ पे नहीं आएंगे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट किया, सेल्समैन को सैलरी पे किया, ये सारे एक्सपेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में ओनली एंड ओनली वी राइट परचेस रिलेटेड एक्सपेंस एंड प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या आएगा? तो ट्रेडिंग अकाउंट जब आप क्लोज करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। इसका फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कल भी डिस्कस किया था। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ऊपर टॉप पे आपको लिखना होता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी आपका साल है वो साल लिखना है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आप देख सकते हो। डेबिट साइड में फर्स्ट आइटम आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? लास्ट ईयर का अनसोल्ड गुड्स होता है, वो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। एवरी ईयर सम स्टॉक ऑफ गुड्स रिमेन अनसोल्ड, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दैट ईयर, बट इट विल बिकम ओपनिंग स्टॉक इन द नेक्स्ट ईयर। तो हमारे पास जो भी स्टॉक होगा वो भी हम सेल करेंगे, ऐसा नहीं कि नया परचेस करके ही सेल करेंगे, तो पुराना स्टॉक भी सेल करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको सबसे पहले तो लिखना है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, वो आप बताओगे यहाँ पे, जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा वो बताओगे। फिर उसमें आएगा परचेस, करंट ईयर में आपने कितना परचेस किया, और उस परचेस में से आप माइनस कर दोगे परचेस रिटर्न, परचेस में से आप माइनस कर दोगे परचेस रिटर्न। तो जो अमाउंट आएगी उसे बोलेंगे नेट परचेस, एंड दैट नेट परचेस विल बी रिकॉर्ड इन द आउटर कॉलम। मान लो 1 लाख का आपने गुड्स खरीदा, उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव था तो आपने वापस भेज दिया, तो जो आएगी अमाउंट बाद में वो नेट अमाउंट आपको लिखनी है। फिर जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे, वो सारे एक्सपेंस जो परचेस से रिलेटेड है, वो सारे एक्सपेंस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो कुछ एक्सपेंसेस के नाम लिखे हुए हैं, सारे एक्सपेंस तो नहीं बता सकते हम, कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको बताए हुए हैं ताकि आपको आइडिया आए कि किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, डॉक चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी, रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन, मोटिव पावर, मतलब दिस इज वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिसिटी पावर, कॉल गैस एंड वाटर विच इज नॉर्मली यूज्ड इन द फैक्ट्रीज एंड अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जहां प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन और परचेस के रिलेटेड एक्सपेंस हो गए जो यहाँ पे आप लिखोगे। क्रेडिट साइड पर क्या आएगा? तो क्रेडिट साइड पे अब हमने जो सेल्स किया है वो लिखेंगे, आपने जो भी गुड्स सेल किया है वो सेल्स लिखोगे। सेल किया हुआ गुड्स अगर वापस आता है तो उसमें से माइनस कर देना है, और जो नेट अमाउंट आएगा वो नेट अमाउंट आप आउटर कॉलम में बताओगे। ये हो गया आपका सेल्स। जिसे मैंने बताया कि एवरी इन एवरी बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर सम स्टॉक रिमेन अनसोल्ड, तो उसे क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। तो लास्ट में आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, साल के एंड में जो भी स्टॉक है अनसोल्ड है वो यहाँ पे बताएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि उसकी कौन सी प्राइस लिखनी चाहिए? हमारे पास जो भी स्टॉक होगा उसकी दो वैल्यू होगी, एक तो हमने जो परचेस किया है वो प्राइस होगी, और दूसरा मार्केट में उसकी जो प्राइस चलती है वो होगी। मान लो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी हमारी वैल्यू 20,000 है, पर मार्केट में उसकी प्राइस 25,000 चल रही है, तब सवाल ये बनता है कि कौन सी अमाउंट लेके।
तो रिमेंबर मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इसमें से जो प्राइस कम है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में बताया हुआ है कि कौन सी प्राइस लिखोगे, तो आप उसकी कॉस्ट प्राइस मतलब जो आपने परचेस किया उस टाइम जो पेमेंट किया वो प्राइस, या तो मार्केट में जो उसकी प्राइस चल रही है मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस, उसमें से जो कम है वो लिखना है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर कम वाली अमाउंट क्यों लिखनी है, हमारा पर्पस तो प्रॉफिट करना है, तो ज्यादा वाली अमाउंट लिखो ना। तो देखो अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, बहुत बिगिनिंग में हमने आपको बताया था कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। वी हैव टू एंटिसिपेट एक्सपेंसेस, लाइकली एक्सपेंसेस, बट वी हैव नॉट टू एंटिसिपेट लाइकली प्रॉफिट। अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाला है, लॉस होने वाला है, तो हमको लिखना है। जैसे मुझे लगता है कि कुछ कस्टमर पेमेंट नहीं करेंगे तो उसको मैं बैड डेट बताऊंगा कि नहीं देंगे बोले, पर अगर मुझे लगता है कि मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो वो मुझे नहीं बताना है। बिकॉज कंजर्वेटिविज्म कॉन्सेप्ट सेज दैट यू कैन प्रोवाइड फॉर लाइकली एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट यू कांट एंटिसिपेट एनी लाइकली गेन और प्रॉफिट। तो ज्यादा प्राइस इसलिए नहीं लिखनी है बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। ज्यादा लिख दोगे, हमारी कॉस्ट 20,000 है और मार्केट में 25,000 चल रहा है, और अगर आप यहाँ 25 लिखते हो उसका मतलब ये हो रहा है कि आप प्रॉफिट एंटिसिपेट कर रहे हो, अभी तो माल बिका नहीं है और प्रॉफिट एंटिसिपेट हम नहीं कर सकते। सो वी कांट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट। हाँ, सेल्स में आप सेलिंग प्राइस लिख सकते हो कि आपने कितने में सेल किया। सेल्स करोगे तो वहां पे जो एक्चुअल प्राइस है वो लिखोगे मार्केट में जिस प्राइस से सेल किया, पर क्लोजिंग स्टॉक में आपको जो कम प्राइस है वो लिखनी है। अच्छा, अब टोटल करोगे आप तो आपको अगर डिफरेंस डेबिट साइड पे मिलता है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पर आता है तो वो ग्रॉस लॉस है। तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, इस फॉर्मेट में कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ लो, क्योंकि इसके ऊपर ही आगे एक्सरसाइज करना है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। ओके, अब इसके ऊपर से कुछ फॉर्मूलाज बन रहा है, वो फॉर्मूला देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तीन तरह का अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये तो अभी आपको पता चल ही हो गया होगा। नॉमिनल अकाउंट वो होता है जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस की बात होती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम इनकम और एक्सपेंस ही लिख रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर हम एक्सपेंस बता रहे हैं, परचेस का एक्सपेंस और प्रोडक्शन के एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड पर हम इनकम बता रहे हैं, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। द थंब रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज पोस्ट, पोस्ट का मतलब होगा राइट डाउन ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल इनकम एंड गेन ऑन द क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त आपको ये बातें याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दी हुई है कि अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, या तो ग्रॉस लॉस फाइंड करना है तो नेट सेल्स दिया है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करना है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया है तो कैसे फाइंड करेंगे, या तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसे बोलते हैं, तो याद रखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं आपको फिर से ट्रेडिंग अकाउंट बताता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक दिया है वो ओपनिंग स्टॉक, फिर ये परचेस का अमाउंट नेट परचेस, फिर ये डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीन आइटम जो डेबिट साइड है उसका टोटल करो, उसमें से क्रेडिट साइड जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो माइनस कर दो, तो आपको जो आंसर मिलेगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला में यही चीज है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है तो क्या करना है, आपका जो नेट सेल्स है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देना है, और नेट सेल्स का मतलब होता है ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्योंकि
जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे देखो सबसे पहले लिखा हुआ है सेल्स, उसमें से माइनस किया है सेल्स रिटर्न। अमाउंट लेके बताता हूँ, सेल्स मान लो आपको 30,000 का दिया है, तो ये 30,000 का सेल्स है उसे ग्रॉस सेल्स बोलेंगे। मान लो हमको 5,000 का गुड्स वापस मिला है, 5,000 का सेल्स रिटर्न हुआ है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 25,000। ये जो 25,000 आया उसको नेट सेल्स बोलेंगे। नेट सेल्स क्या होता है? ग्रॉस माइनस सेल्स रिटर्न। 30,000 माइनस 5,000 तो 25,000 होगा नेट सेल्स। तो ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, थोड़ी याद वो भी रखनी पड़ेगी कि ग्रॉस क्या है, नेट क्या है। चलो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, उसकी कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको बताई है। अब एक एक्सरसाइज ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, खाली ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सी द एक्सरसाइज, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर राजेश फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। अब देखो मैंने आपको बोला था कि अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है, पर ये मिस्टर राजेश 31 दिसंबर को कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 31 दिसंबर को हम बनाते हैं। ऐसे तो अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को ही एंड होना चाहिए, पर कुछ बिजनेसमैन जनवरी टू दिसंबर रखते हैं, तो मिस्टर राजेश ने जनवरी से दिसंबर का रखा होगा। कोई बात नहीं, हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब वन बाय वन हम सब चीजें देख लेते हैं, और कौन सी आइटम कहाँ पे रिकॉर्ड करनी है वो भी देखेंगे। तो चलो सबसे पहले दिया है आपको ओपनिंग स्टॉक 40,000। तो 40,000 रुपीज का जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखोगे, इसलिए मैं वहां लिखता हूँ टीडी। टीडी का मतलब होगा ट्रेडिंग डेबिट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए। ट्रेडिंग डेबिट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। फिर आपको परचेस दिया है तो परचेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट साइड पर लिखेंगे। बाद में आपको सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, टीसी, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूं ताकि थोड़ा समझ में आए आपको और मुझे ज्यादा लिखना भी ना पड़े। अच्छा, फिर दिया है फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, तो आपने माल परचेस किया होगा तो ये परचेस का एक्सपेंस है, रेलवे फ्रेट दिया होगा। पहले ऑक्ट्रॉय नाके हुआ करते थे, जकात नाका हुआ करता था, तो अगर किसी सिटी में माल को एंटर करना है, गुड्स को एंटर करना है, तो ऑक्ट्रॉय पे करना पड़ता था, तो ये पुराने एक्सरसाइज है, तो वहां पे ऑक्ट्रॉय भी दिया जाता है। तो देट इज वन टाइप ऑफ परचेस एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस ऑन परचेस इज रिटर्न ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वर्कर्स को वेजिस पे किया है, ट्रेडिंग में डेबिट साइड जाएगा। फैक्ट्री का लाइटिंग है, प्रोडक्शन का वर्क चल रहा होगा, फैक्ट्री में लाइटिंग का एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। कॉल गैस एंड वाटर, फैक्ट्री के अंदर ये सारी चीजें यूज होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड पे लिखना है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। अब कुछ आइटम सामने भी दिया है आपको, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है परचेस रिटर्न, तो देखो जो परचेस दिया है आपको सामने 2 लाख, उसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इसको हम माइनस कर देंगे परचेस रिटर्न में से, परचेस में से, माइनस फ्रॉम परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, परचेस में से इसको माइनस करेंगे। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को हमें माइनस करना होता है फ्रॉम सेल्स, जो भी आपको सेल्स दिया होगा उसमें से माइनस करोगे। जैसे सामने आपको 6 लाख रुपीज दिया हुआ है सेल्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, सेल्स में से माइनस करोगे। कैरेज ऑन परचेज, परचेज के ऊपर कैरेज है, हमने माल परचेज किया उसका कैरेज है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, कैरेज ऑन सेल्स,
देखो परचेज के एक्सपेंस हो गए तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगे, सेल्स के एक्सपेंस नहीं आएंगे तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट. कैरेज ऑन सेल्स वॉन्ट बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट. दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा? ओनली परचेज एक्सपेंस एंड प्रोडक्शन एक्सपेंस. सेल्स के एक्सपेंस अलग से अकाउंट में जाएंगे, ऑफिस के एक्सपेंस अलग वाले अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अच्छा, फैक्ट्री का रेंट पे किया हुआ है, हमेशा मान के चलते हैं कि हमारा प्रोडक्शन का एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड. ऑफिस रेंट दिया हुआ है, देखो यहाँ प्रोडक्शन के एक्सपेंस लिखने हैं, परचेस के एक्सपेंस लिखने हैं, ऑफिस के एक्सपेंस नहीं लिखने हैं, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा. इंपोर्ट ड्यूटी, आपने माल इंपोर्ट किया होगा, परचेस किया होगा तो इंपोर्ट ड्यूटी पे की होगा, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा. तो इस तरीके से बाइफरकेशन कर दिया है हमने ताकि आपको आइडिया आए. अब लास्ट में एक चीज बताई, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, तो क्लोजिंग स्टॉक की एक ही वैल्यू दिया है जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बता देंगे. तो ये हो गया बाइफरकेशन की कौन सी आइटम कहाँ लिखनी है. अब इस एक्सरसाइज के ऊपर से अब हम समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है. तो ये रहा सॉल्यूशन आपके सामने है. सबसे पहले ऊपर टाइटल दे देना है, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर राजेश फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010. जो भी साल दिया है वो लिखना है. डेबिट एंड क्रेडिट आपको दिया हुआ है. डेबिट साइड आप पर आप देख सकते हो ओपनिंग स्टॉक लिखा है 40,000, परचेस 12 लाख माइनस परचेस रिटर्न, सारे एक्सपेंस लिखे हुए हैं, फ्रेट एंड ऑफ ट्रॉय, वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, कॉल गैस एंड वाटर, कैरेज ऑन परचेस. देखो कैरेज ऑन सेल्स नहीं लिखा है, फैक्ट्री रेंट लिखा है, ऑफिस रेंट नहीं लिखा है, इंपोर्ट ड्यूटी लिखा है, सामने सेल्स बताया है उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक 40,000 जो दिया था वो लिखा है. टोटल करेंगे तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 6,20,000. उस 6,20,000 में से सारे एक्सपेंस माइनस कर दो तो बाद में जो डिफरेंस बचता है वो डिफरेंस आपका आ रहा है 2,76,800. ये आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट. अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पर आता तो वो होता ग्रॉस लॉस. चलो बताइए, इसमें कोई डाउट है आपको? एनी डाउट इन दिस एक्सरसाइज? समझने में कोई दिक्कत आई हो? सर एक बार फिर से वो वाला पार्ट को रिपीट कीजिए ना, वो रेंट वाला कि किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना है। रेंट वाला ये वाला पॉइंट इसमें. ओके, हाँ, यस 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 देखो इसके लिए मैं आपको बताऊं, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अलग अलग तरह के एक्सपेंस होते हैं. एक तो प्रोडक्शन के एक्सपेंस होते हैं जो फैक्ट्री में होते हैं, परचेस के एक्सपेंस होते हैं, फिर होता है ऑफिस एक्सपेंस. फैक्ट्री अलग होता है, बिजनेस का ऑफिस अलग होता है. जैसे कि हमारा फैक्ट्री हमने रेंट पर लिया हुआ है, जो फैक्ट्री प्रमाइसिस है वो हमने रेंट पर लिया हुआ है, तो उसका जो रेंट हम पे कर रहे हैं वो क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि हमको वहां पे प्रोडक्शन करना है, तो फैक्ट्री रेंट हमारा प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस होगा, इसलिए उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड बता रहे हैं. ऑफिस रेंट क्या है? ऑफिस रेंट वो चीज है जहां पे हमारे बिजनेस की ऑफिस है, उसको प्रोडक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है. तो ऑफिस पे तो हमारा रोज बरोज का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चलता है, वो ऑफिस भी हमारी रेंट पे हमने लिया हुआ है, उसका रेंट हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं बताएंगे, उसका रेंट हम
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, ऑफिस एक्सपेंस में बताएंगे जो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ऑफिस रेंट बताएंगे और फैक्ट्री का रेंट जो है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में बताएंगे, क्योंकि उसका रिलेशन प्रोडक्शन से है। ऑफिस रेंट को प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं, इसलिए उसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं बताना है। उसी तरह से कैरेज जो है, ट्रांसपोर्ट के जो एक्सपेंस है, परचेज का एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट में बताएंगे, पर जो सेल्स का एक्सपेंस है, कैरेज ऑन सेल्स, जैसे कि हमने फ्री डिलीवरी दिया है कस्टमर को, हमारे डिलीवरी वैन से हमारा कस्टमर को हम गुड्स सप्लाई करते हैं, तो वो कैरेज ऑन सेल्स हो गया, तो वो तो सेलिंग का एक्सपेंस हुआ, मार्केटिंग का एक्सपेंस हुआ, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं बताएंगे। तो मार्केटिंग के एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। प्रोडक्शन के एक्सपेंस है, परचेस के एक्सपेंस है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं। फैक्ट्री रेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, इसलिए वो फैक्ट्री का एक्सपेंस प्रोडक्शन एक्सपेंस के हिसाब से हमने ट्रेडिंग अकाउंट में बताया है। ऑफिस का रेंट है वो नहीं बताया ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ऑफिस में प्रोडक्शन नहीं होता है गुड्स का। गेटिंग, आ रहा समझ में? हाँ यस सर। ओके चलो, अभी और एक एक्सरसाइज दिया है यहां पे आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर सोनी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है। तो अभी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी, ये वाली फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। ये जो फॉर्मूला से वो कर लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करेंगे तभी हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, जब तक वो नहीं फाइंड करेंगे वो फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। देखो, स्टार्ट होता है ओपनिंग स्टॉक से, तो हमको ओपनिंग स्टॉक लेना है, तो ऊपर ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 25,000, उसमें आप ऐड कर दोगे नेट परचेस। अच्छा, परचेस में सब परचेस आ जाएगा, क्रेडिट परचेस, कैश परचेस दोनों। तो ऊपर आपको दिया है क्रेडिट परचेस एंड कैश परचेस, कुछ कस्टमर को उधार बेचा है, कुछ कुछ को रोकड़े बेचा हुआ है, तो दोनों मिला के हो जाता है हमारा 7 और 3 10,50,000 हो जाता है, तो वो हमारा हो जाता है 10,50,000। ये हमारा टोटल परचेस हो गया, पर वर्ड क्या है, नेट परचेस। नेट का मतलब होगा उसमें से परचेस रिटर्न माइनस करना है, तो नीचे आपको परचेस रिटर्न भी दिया हुआ है 20,000, देख सकते हो क्वेश्चन में, वो माइनस कर देना पड़ेगा, तब जाके हमको नेट परचेस मिलेगा। तो 10,50,000 माइनस 20,000 हम करेंगे तो हमको नेट परचेस मिलेगा। फिर उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब प्रोडक्शन और परचेस के एक्सपेंस। तो देख लेते हैं, तो एक तो आपको वेजेस दिया हुआ है 1,00,000 रुपया, बस एक ही एक्सपेंस दिया है, कोई दिया नहीं दूसरा, एक ही एक्सपेंस है 1,00,000 रुपीज, यहाँ पे वो आ जाएगा 1,00,000 रुपीज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इसमें से आपको माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक, तो देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक दिया है, हाँ क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है आपको 50,000, 50,000 क्लोजिंग स्टॉक है। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो चलो 25,000 प्लस 1050 में से 20 माइनस कर दो तो 10,30,000, 10,30,000 आपका हो गया नेट परचेस। डायरेक्ट एक्सपेंस का उसमें हमको ऐड कर देना है 1,00,000 और उसमें से माइनस कर देना है 50,000 जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। फाइनली आंसर क्या आएगा,
कोई बता पाएगा व्हाट विल बी द आंसर? ₹11,05,000। वेरी गुड, 11,05,000 ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब क्वेश्चन में हमें और भी चीजें पूछी हुई है। 11,05,000 आपका आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा हुआ है। चलो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं, उसकी फॉर्मूला लगा देता हूं। तो ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, नेट सेल्स के लिए आपको सेल्स लेना है, तो सेल्स देख लेते हैं। एक तो क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में दिया है 12 लाख, और कैश सेल्स दिया है 4 लाख। तो 12 और 4 16 लैक्स हो गया। ये 16 लैक्स आपका क्रेडिट सेल्स हो गया, पर वर्ड क्या है? नेट सेल्स है। तो जब नेट सेल्स दिया हो तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा सेल्स रिटर्न। तो क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दिया हो तो करना है, दिया है, 1 लाख रुपीज दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न 1 लाख रुपीज दिया हुआ है, तो आपको नेट सेल्स मिल जाएगा। इसमें से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया हुआ है। तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा अब 15 लाख माइनस 11,05,000। यू विल गेट द आंसर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ₹3,95,000 आएगा। तो ये आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। चलो आ रहा है समझ में क्वेश्चन? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नहीं, ये ठीक ओके, तो यहाँ पे हम आज का सेशन खत्म करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया, कल हम नया अकाउंट ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बारे में समझेंगे। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट समझना है, फिर फुल फ्लेज एक्सरसाइज ले लेंगे जिसमें सब कुछ बनाना होगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।